हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का और स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आप भी आप अपने प्लाजो पे या स्लीव पे इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फुल ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने 2x2 यानी कि 2 इंच की विड्थ और लेंथ में हमने फैब्रिक को कट कर लिया। पेपर पेस्टिंग को हमने यहाँ पर कट किया है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम इसके सेंटर से यहाँ पे इस तरीके से डीप करते हुए हाफ लीफ का यानी कि आधी पत्ती के शेप में मार्क कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके का डिज़ाइन हमने बना लेना है कट करके। और ऐसे ही फैब्रिक लेंगे हम जो कि चारों साइड से इसे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर और इसके सेंटर से भी कट करेंगे हम। और कट करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ग्लू के साथ स्टिक कर देंगे या फिर आप इसको ऐसे भी स्टिच कर सकते हो, स्टिचिंग मशीन से भी कर सकते हो। बस इसको अंदर की तरफ इसमें फोल्ड करना है इस तरीके से, अच्छे से कॉर्नर निकलने चाहिए। ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। देखिए इस तरीके से स्टार के शेप में हमने बहुत सारे ऐसे ही डिज़ाइन बना के रेडी कर लेने हैं। उसके बाद आप कोई पेपर ले लीजिए और उसको सेंटर से फोल्ड कीजिए या फिर बिल्कुल सेंटर में सीधी लाइन में आप ड्रॉ कर लीजिए और 1x1 करते हुए आप इसको ऊपर रखते हुए कॉर्नर की साइड से, ये देखिए किनारे किनारे पे हम स्टिचिंग करते जाएंगे 1x1 करते हुए। जब एक की स्टिचिंग हो जाएगी तो उसके ठीक कॉर्नर पे इन दोनों को मिला के नेक्स्ट वाला इसके ऊपर रख देना है और फिर स्टिचिंग लाइन लगा देनी है। इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए बल्कि इन दोनों कॉर्नर को जॉइंट करके ही स्टिच करनी है। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितनी आपकी स्लीव की लेंथ है या ट्राउज़र की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आप ये पीसीज कट करके बनाएंगे। और यहाँ पे 15 इंच की लेंथ थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 7 पीस बनाए हैं। एक लाइन कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी साइड में ये देखिए तीनों कॉर्नर को मिलाएंगे और ये लीफ का डिज़ाइन हम यहाँ पे रखते हुए दोनों साइड में इक्वल लीफ होना चाहिए। जो पत्ती जैसी शेप यहाँ पे मिल रही है ना, वो दोनों साइड में इक्वल होनी चाहिए, आप देख सकते हैं ये। और उसके अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम परफेक्टली स्टिचिंग करते जाएंगे, 1x1 करके पीसीज को रखेंगे इसके ऊपर और स्टिच कर देंगे। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरी साइड में भी रिपीट करेंगे और इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉर्नर कट कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर से कट नहीं करना है, हाफ इंच छोड़ते हुए कट करना है ताकि हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन मिले। ये हमने 4 इंच चौड़ी फैब्रिक कट की थी और उस पर हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच हो। और बैक साइड में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर फ्रंट की साइड जो हमारा सीधा हिस्सा है उसको बाहर की तरफ पलट लेंगे और फिर से स्टिचिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये पट्टी रेडी हो जाएगी इसकी।
उसके बाद इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र के साथ, प्लाजो के साथ या फिर स्लीव के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट कर देना है, बैक साइड से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसको पलट के फिर से स्टिचिंग करके इसको परफेक्ट फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद जो हमने पेपर यूज किया है उसको रिमूव कर देंगे। अच्छे से हैंड के साथ ये उतर जाता है और डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में हम यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स भी लगा लेंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।